आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, वो हम टेकअप कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इररेगुलर वेरिएशंस ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पीज, कौन सी आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकेंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले, फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, उसमें वेरिएशन किस में, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, मतलब 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके जिंक तक। तो वैल्यू देख लें, डाटा जो एनसीईआरटी में दिया है, ये टेबल हमारा बेस होता है एनसीईआरटी में। तो ये रही फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहले बढ़ गई फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई फिर बढ़ गई फिर बढ़ गई फिर कम हो गई, फिर कम हो गई फिर बढ़ गई फिर बढ़ गई। अगर आप एक जनरल, यहाँ देखो इस डाटा को, अगर आप एक जनरल ट्रेंड देखोगे तो बढ़ रहा है, बट बीच बीच में कम हो रहा है, यही है ना। जैसे शेयर मार्केट कैसे होता है, बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, लेकिन एंड लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बढ़ जाता है, ऐसे ही होता है ना, ये वैसा ही है ना। लॉन्ग टर्म में देखो तो बढ़ गया, 600 से 900 तक आ गया, बीच में 700 हो गया था, तो यहाँ 600 की रेंज है, यहाँ 700 की रेंज है, यहाँ 900 पे पहुंच गया। इन जनरल देखोगे तो बढ़ रहा है, तो ट्रेंड तो है एक, पर वो ट्रेंड क्या है, इररेगुलर, बीच बीच में वेरिएशन ज्यादा ही है ना। सेकेंड की देखो, अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले क्या हो रहा है, इन जनरल तो इंक्रीज हो रहा दिख रहा, यहां से यहां तक इन जनरल तो इंक्रीज है, पहले बढ़ गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया कम हो गया, फिर बढ़ गया फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर कम हो गया, है ना। तो बीच बीच में एक्सेप्शन, कम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, और तो कहीं कम नहीं हो रहा, देखो जरा दो जगह पे कम हो रहा है, कहाँ कहाँ, मैंगनीज और जिंक में कम हो रहा है ना। और सर्कल ही कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ कहाँ कम हो रही है, वो हम यहाँ, यहाँ ट्रेंड ब्रेक हुआ और यहाँ ट्रेंड ब्रेक हुआ सेकंड में, है ना। फर्स्ट में कहाँ ट्रेंड ब्रेक हुआ, वैनेडियम में हुआ, क्रोमियम में हुआ तो नहीं, लेकिन क्रोमियम का ना एक्सप्लेन करेंगे हम, क्रोमियम कोबाल्ट में हुआ, निकल में भी कम हो गया है ना, जिंक में बहुत ही ज्यादा हाई ज्यादा हो गया। तो ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। देखो तो इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी में जो वेरिएशन है आयोनाइजेशन इंथैल्पी की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, वो रेगुलर नहीं है, ऐसा क्यों है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, तो लेफ्ट से राइट जाने पे, ये देखो लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, बिकॉज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली एंड मेक्स देयर रिमूवल डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके टाइटली रखते हैं, तो उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ डाटा दिया है, हालांकि आपको डाटा एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ दे दिया, ठीक है ना, कि ये डाटा है भाई। बट द ट्रेंड इज इररेगुलर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, पर जो वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका जो ट्रेंड है ये इररेगुलर है, उसका कारण क्या है वो समझते हैं। पहला कारण है एक्सचेंज एनर्जी, ये देखते हैं क्या है। द इररेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D मेटल्स कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय कंसीडरिंग दैट रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑल्टर्स द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। ओके, देखो हमको ना अब तक ये पढ़ाया गया है कि 3d की एनर्जी ज्यादा होती है और 4s की, यही पढ़ा ना हमने, 4s की एनर्जी कम होती है उससे ज्यादा,
इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है फिर 3d में जाता है। पर पता है क्या, इसमें आगे काफी सारी थ्योरी और होती है। 4s और 3d की एनर्जी, नो डाउट 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से, बट दिस इज बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पता क्या हो जाता है, 3d नीचे आ जाता है, 4s ऊपर चला जाता है आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चेंज हो जाता है इनका एनर्जी का लेवल। अब क्या, इसीलिए जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो ना, इसलिए 4s से रिमूव करते हो। समझ में आई बात? मैंने बोला ना कि जब आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 4s से करना है, लेकिन आप ऐड 3d में करते हो। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल फोर्थ हो जाता है इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद। समझ में आई बात? उसको कम एनर्जी लगती है। हाँ, क्योंकि वो हाईएस्ट, ये जो है ये आउटर मोस्ट है ना, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, आउटर मोस्ट चला जाता है। ओके, तो 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा हो जाती है आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई बात? तो फिर क्या है, जब आप यूनि पॉजिटिव, यार यहाँ पे ये बात नहीं लिखी, यहाँ पे कुछ और बात लिखी है, मैं यहाँ जो बात लिखी है वो समझाता हूँ। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s1 4s2 से निकलेगा ना, है क्या? नहीं, ये जो 3d सीरीज है इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d समथिंग, फॉर एग्जांपल मान लो 3d4 एंड 4s2, ऐसे कुछ होता है ना, ठीक है ना? आप एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करते हो, s से रिमूव करते हो, तो 4s1 हो गया। 4s1 क्या हो गया, यूनि पॉजिटिव आयन हो गया, है ना? 4s1 यूनि पॉजिटिव आयन हो गया ना ये। बोल रहे रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑल्टर्स द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3d। जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देते हो ना, तो इनका एनर्जी लेवल ऑल्टर हो जाता है 3d और 4s का। तो यूनि पॉजिटिव आयन हैव डी एन कॉन्फ़िगरेशन विद नो 4s इलेक्ट्रॉन। देखो, आप तो इमेजिन कर रहे हो कि यूनि पॉजिटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 पता है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है। समझ में आई बात? ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है, तो ये 3d पूरा 3d हो जाता है, 4s हो जाता है 0। आपने ये नहीं सोचना कि यूनि पॉजिटिव का 4s1 है। ये बात समझ में आई? 4s में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन बचते ही नहीं है। दस देयर इज ए रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी अकम्पनिंग आयोनाइजेशन। ओके, तो इससे क्या होता है, एक रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी का टर्म इन्वॉल्व हो जाता है। आयोनाइजेशन तो है ही है, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला 4s2 से 4s1 किया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो वहाँ आ गई, लेकिन फिर उसके बाद भी कितनी सारी प्रोसेस हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, रीऑर्गेनाइजेशन हुई, ठीक है। फिर जब 3d में इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, तो एक्सचेंज एनर्जी का फर्क पड़ेगा, है ना? नम एक्सचेंज एनर्जी बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने एक्सचेंजेस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इतने सारे एक्सचेंजेस करेगा, और ये वाला फिर इतने सारे करेगा, बताया था ना? तो ऐसे जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, उतनी एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, तो एक्सचेंज एनर्जी को अफेक्ट करेगा ना फिर, तो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी, ये टर्म्स भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे। समझ में आई बात? एक्सचेंज एनर्जी आ जाएगी, रीऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, एक्सचेंज एनर्जी एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स इनटू डी ऑर्बिटल्स। तो एस से डी में जाने में इतने सारे एनर्जी के टर्म और इन्वॉल्व होंगे, जिनको हम अकाउंट फॉर करते नहीं है। आप सिर्फ आयोनाइजेशन को देख रहे हो, मतलब सिर्फ रिमूवल को देख रहे हो। उस 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, आपने सिर्फ वो फैक्टर देखा। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी थी और एक्सचेंज एनर्जी थी, ये आपने फैक्टर देखे ही नहीं। समझ में आई बात? अगर आप उनको भी अकाउंट फॉर करोगे, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, इरेगुलर होता है। समझ में आ गई बात? है आपसे ना ये बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा कि भाई ठीक है एग्जैक्टली बताओ एक्सचेंज एनर्जी का क्या फर्क आया, रीऑर्गेनाइज एनर्जी का क्या फर्क आया, वो हायर क्लासेस की बात है। एग्जैक्ट नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको हिंट दे दिया उसने कि भाई इस कारण से होता है। क्लियर है? जैसे देखो, ये तो पहला कारण था, ठीक है ना, इरेगुलर क्यों है ट्रेंड, ये पहला कारण क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। दूसरा कारण, बीच बीच में देखो किस किस के लिए एक्सप्लेन किया गया, क्रोमियम के लिए और जिंक के लिए,
हाँ, और कॉपर के लिए देखो। अच्छा जिंक और क्रोमियम, अच्छा सेकंड भी एक्सप्लेन किया गया, बताते हैं देखो। एक एक करके पॉइंट एक अप करते हैं। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 18, 3d5, 4s1। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते तो क्या बचता है? 3d5। तो क्रोमियम प्लस क्या है? हैज स्टेबल d5 लिखा है। क्रोमियम प्लस है स्टेबल d5 कॉन्फ़िगरेशन, हैंस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। टेबल देखते हैं फिर से। देखो देखो यहाँ पे ना आप बोलोगे यार क्रोमियम की तो इंक्रीज हुई है, 650 से 653 हो गई, तो इंक्रीज हुई है ना, बट ना इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है। समझ में आई बात? जैसे यहाँ देखो, यहाँ कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, या फिर यहाँ कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हो रहा। इसका कहने का मतलब क्रोमियम की आयोनाइजेशन जितनी होनी चाहिए तो उतनी है नहीं, उससे कम है, ठीक है ना। तो क्यों है? क्योंकि क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद D5 कॉन्फिगरेशन अटेन हो जाती है। ये पॉइंट सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? जिंक की कॉन्फिगरेशन देखो 3d10 4s2, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3d10 4s1। आपने स्टेबल कॉन्फिगरेशन को डिस्टर्ब कर दिया, तो आप स्टेबल कॉन्फिगरेशन को डिस्टर्ब करोगे तो ये जिंक रेजिस्ट तो करेगा उसको, इसलिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। व्हेन जिंक इज आयोनाइज्ड इट्स स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ 3d10 4s2 इज डिस्टर्ब, हेंस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज हायर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो फर्स्ट जिंक की देखो, ये जितना यहाँ जंप आया ना कॉपर से जिंक, इतना कहीं भी नहीं आया। अकेला जिंक है जिसकी 900 की रेंज में है, बाकी सब यहाँ 700 की रेंज में आ रहे हैं या 600 की रेंज में आ रहे हैं। जिंक एकदम अलग ही बैठा, बहुत ज्यादा हाई है। समझ में आई बात? क्यों हाई है बहुत ज्यादा? क्योंकि आप उसकी स्टेबल कॉन्फिग्रेशन डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये बात होगी। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट में ना सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहा है। क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? देखो ये है क्रोमियम 3d5 4s1 है ना, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से, तो क्रोमियम प्लस बन जाएगा 3d5 4s0। इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1। अब इसमें से एक और निकाल दो तो क्रोमियम 2+3d4 हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। क्रोमियम प्लस से क्रोमियम 2+3d5 से 3d4 हो गया। अब आपने D5 कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब कर दी, तो इसलिए ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी क्रोमियम के लिए। सेकेंड आयोन कॉपर के लिए भी देखो, कॉपर के लिए जो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d10 4s1। एक निकालोगे तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 3d10, ये कॉपर प्लस हो गया है ना। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कॉपर 2+ में 3d9 हो जाएगा। ये वही सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाया हुआ ना, कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बना रहे हो, तो 3d10 से 3d9। तो यहाँ पे भी आपने स्टेबल कॉन्फिगरेशन डिस्टर्ब करी है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हाई, दोनों की हाई है, क्रोमियम की भी और कॉपर की। कौन सी? सेकेंड वाली। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर D5 फॉर क्रोमियम एंड D10 फॉर कॉपर प्लस आर डिस्टर्ब। तो सेकंड का डाटा देख लेते हैं, क्रोमियम और कॉपर की बात कर रहे हैं। देखो क्रोमियम ये रहा, कॉपर ये रहा, है ना। तो देखो क्रोमियम की ज्यादा है, मैंगनीज से भी ज्यादा हो गई है कि नहीं? हालांकि आप जब इस तरफ जा रहे थे तो डिक्रीज होना चाहिए था ना, है कि नहीं? सॉरी इंक्रीज, जब आप इस तरफ जा रहे थे इंक्रीज होना चाहिए था ना, पर ये तो डिक्रीज हो गया, मतलब क्रोमियम की कुछ ज्यादा ही है। समझ में आई बात?
यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ एक्सपेक्ट करते हो कि इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीज हो गया, मतलब कॉपर की कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ही ज्यादा है, समझ में आई बात? तो क्रोमियम और कॉपर की ज्यादा क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रीजन है, समझ में आई बात? फिर जिंक, जिंक की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, क्यों? जिंक प्लस की कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10 4s1, है ना, उसमें से एक निकाल दोगे तो 4s1 निकल के 3d10 हो जाएगा, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब ये आसानी से बन जाएगा, तो ये उतना रेजिस्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को, इसलिए जिंक की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू से लो है, देखो कम हो गया ना, समझ में आई बात? तो ये पॉइंट्स आपको, चार पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर ये ट्रेंड सारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द आयोनाइजेशन इनथैल्पीज ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स विद दोज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज मेटल्स इन रिस्पेक्टिव वर्टिकल कॉलम्स। ये ना आपको याद रखना पड़ेगा, ओके okay? ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है पहले ये समझो, वो पूछ रहा है ग्रुप में कम वर्टिकल कॉलम कौन से होते हैं, ग्रुप्स, ग्रुप्स को वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, वो ग्रुप्स में कंपैरिजन पूछ रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड और किसका किसका, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विद दोज ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज, मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इनका एक ग्रुप में कंपैरिजन पूछ रहा है, ठीक है ना, मतलब किस किस का, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है, इनका कंपैरिजन पूछ रहा है, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, समझ में आई बात? फिर आ जाएगा टाइटेनियम, बताओ है, जिरकोनियम, हफीनियम, इनका कंपैरिजन पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया, देखते हैं, अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, ओके देखो ये रहा डाटा, ये डाटा एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन लेकिन पूछा हुआ डाटा नहीं है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, थर्ड ग्रुप के लिए क्या है ट्रेंड, 3D का सबसे ज्यादा है उससे कम, 4D का उससे कम, 5D का, मतलब नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जो हम पीरियोडिक टेबल में एक्सपेक्ट भी करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पता है, चेंज कर दो, तो देखो हम डाउन द ग्रुप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा ग्रुप में नीचे आने पे, तो उसको रिमूव करना आसान होता रहेगा, इसलिए डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, ये बात कहाँ अप्लाई होती है, सिर्फ ग्रुप 3 पे, सिर्फ ग्रुप 3 पे अप्लाई होती है और कहीं अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है बात है? तो पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन ग्रुप 3 डाउन द ग्रुप अटोमिक साइज इंक्रीजेस, नीचे आने पर अटोमिक साइज बढ़ जाता है, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसलिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर होता जाता है और इजियर टू रिमूव, रिमूव करना आसान होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ये सिर्फ थर्ड ग्रुप के लिए है, ओके पहले तो याद ही कर लो, 4 5 6 10, ओके 3 के बाद कौन आता है, 4 5 6, उसके बाद सीधा 10, जंप मार के 10 पे चले गए, ओके याद हो जाएगा, 4 5 6 और 10, उसके लिए ट्रेंड क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा, 3 से उल्टे ही चल रहे हैं वो, सबसे ज्यादा किसकी, 5D की, उससे कम 4D की, उससे कम, उल्टा ही ट्रेंड पूरा उल्टा हो गया, किस किस का, 4 5 6 10 हो जाएगा यार, 3 का तो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, 4 5 6 10 आपको सरप्राइज कर गया है ना, उल्टा हो गया, नीचे जाने पे बढ़ गई, फिर क्या बाकी कौन बचे, अब 3 हो गया, 4 5 6 10 हो गया, बाकी कौन से बच गए, 7 8 9 11 और 12, ये चाहे आप याद ना रखो, आप ऊपर वाले याद रखियो, बाकी जो बच जाएंगे ये है, ठीक है, इसमें ट्रेंड क्या है, इसमें ट्रेंड सबसे ज्यादा किसकी है, इसमें ट्रेंड उल्टा पुल्टा सही है, सबसे ज्यादा किसकी है, 5D की, सबसे कम 4D की, 3D की बीच में, ओके ना तो ऊपर वाला ट्रेंड ना ना तो 3 वाला ट्रेंड ना 4 वाला ट्रेंड, ये इनका अपना ही चल रहा है, सबसे ज्यादा 5D की है, सबसे कम 4D की है, समझ में आई बात, पहले तो डाटा याद कर लेना आप, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है, फिर देखो
ऐसा क्यों है? अब 5D की, अब हम इनकी बात करते हैं, ग्रुप फोर ये वाला, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय 4F इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन 5D सीरीज आर टाइटली हेल्ड, हेंस फ्रॉम ग्रुप फोर टू ग्रुप 12, 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन 3D सीरीज एंड 4D सीरीज। देखो ये वाले पूरे ग्रुप्स में और ये वाले पूरे ग्रुप्स में, ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक सबसे ज्यादा किसकी थी? 5D की। 5D की बहुत ही ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? इसका कारण क्या था? क्योंकि इसके आगे 4F इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैं पीरियोडिक टेबल से दिखाता हूँ, तो यहां देखते हैं। देखो ये रही 5D सीरीज, ये 5D सीरीज है ना, तो 5D सीरीज के आगे कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं? ये वाले, ये कौन से हैं? 4F लेंथेनॉइड सीरीज, 4F इलेक्ट्रॉन्स है ये। 4F इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग होती है वो पुअर होती है, पुअर शील्डिंग होती है, तो ये जो 5D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं न्यूक्लियस की तरफ अच्छे खासे अट्रैक्ट हो जाते हैं, समझ में आई बात? तो अच्छे खासे अट्रैक्ट हो जाते, तो इनको रिमूव करना मुश्किल है, इसलिए ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक 5D सीरीज एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी 4D और 3D दोनों से ज्यादा है। लेकिन ये ग्रुप 3 पे अप्लाई नहीं होता बात, क्यों? क्योंकि ग्रुप 3 के आगे तो लैंथेनॉइड सीरीज आई नहीं ना, समझ में आई बात है ना? तो ये बात लिखिए, ये पॉइंट सेकंड देखो, समझ में आ गया? 4F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग के कारण 5D इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होते हैं, ठीक है ना? इसलिए ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक 5D सीरीज एलिमेंट्स की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो 3D और 4D से ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? अगला देखो, इन ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4D सीरीज इज हायर देन दैट ऑफ 3D सीरीज। इन ग्रुप्स 7, 8, 9, 11 एंड 12 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज इज हायर देन दोज ऑफ 4D सीरीज। तो 3D सीरीज और 4D सीरीज में किसकी ज्यादा है, ये ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो ये याद रखना आपको कि भाई 4, 5, 6, 10 के लिए तो 4D सीरीज की 3D से ज्यादा है, 7, 8, 9, 11, 12 के लिए 3D सीरीज की 4D से ज्यादा होती है। ओके, इसका रीजन देखो वही है, एक्सपेरिमेंटल है ये। वो क्या रहा है ना, जब आप नीचे आ रहे हो तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, दोनों चीजें बढ़ रही है ना, तो प्रोटॉन के बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से रिपल्शन बढ़ती है, तो अट्रैक्शन भी बढ़ गई और रिपल्शन भी बढ़ गई। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, रिपल्शन बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। अब कौन डोमिनेट कर गया फैक्टर, रिपल्शन कर गया या अट्रैक्शन कर गया, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। तो जिन ग्रुप्स के लिए 4D की ज्यादा हो रही है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया। जिन ग्रुप्स के लिए 4D की कम होगी, मतलब रिपल्शन डोमिनेट कर गया। तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा, ये ग्रुप्स का डाटा। तो याद क्या करना है, सिर्फ इतना याद कर लो, रीजन तो मैंने बता ही दिया आपको सारे, याद करना है तो इतना याद कर लो आप कि थर्ड ग्रुप के लिए तो जो ट्रेंड हम बचपन से करते आ रहे हैं वही है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। 4, 5, 6 और 10, ठीक है ना? 4, 5, 6 और 10 के लिए जो हम सोचते थे उससे उल्टा डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो गई, बाकी जो बच गए उनके लिए सबसे ज्यादा 5D की, सबसे कम 4D की। ये बात याद कर लो, ऐसे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है?